आईएमए के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर मुरादाबाद की आईएमए इकाई ने ब्लैक डे मनाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग में लगे डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के विरोध में आईएमए से जुड़े डॉक्टरों ने देश भर में 23 अप्रैल को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी डॉक्टर अपनी बाजू पर काला फीता बांध कर ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा 22 अप्रैल को सभी डॉक्टर अपने अपने क्लिनिक, अस्पताल या घरों पर मोमबत्ती जलाकर इस तरह की घटनाओं का विरोध करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय CWUC मेंबर व पूर्व प्रदेश महासचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने इस बात की जानकारी दी। उनके अनुसार आईएमए का यह कहना है कि यदि चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय कानून लागू नहीं किया गया तो 23 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाएगा। मुरादाबाद से संवाददाता वाजिद अली की रिपोर्ट। सर, आपसे सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सर, आईएमए ने स्ट्राइक कॉल की है, किन मांगों को लेकर स्ट्राइक है और कब ये स्ट्राइक है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हमारा देश एक भयंकर त्रासदी से गुजर रहा है और हमारे देश के डॉक्टर एक सैनिक की तरह लड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत से सामना कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो हमारे कई डॉक्टर्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है, कुछ पीपी वो नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं या उनको नहीं मिल पाया है पीपी, उसके लिए आईएमए 66 है, सरकार से भी डिमांड किया है कि हमें पीपी जल्द उपलब्ध कराया जाए, वहाँ से आश्वासन भी मिला है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि जो हमारे नर्सें और डॉक्टर्स जो मेडिकल हेल्थ वर्कर हैं अपने जान की परवाह न करते हुए मरीजों की ट्रीटमेंट में, मरीजों के इलाज में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके साथ ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है और कई जगह तो हमने ऐसा भी देखा है कि उनके ऊपर हमला किया गया। घरों में अगर वो डॉक्टर रह रहे हैं किराए पे तो उनको वहाँ से दवा बनाया जा रहा है कि वो वहाँ से अपने खाली पर रहें और दूसरी जगह जाएं। ये अत्यंत दुखद की बात है। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है लेकिन हम भगवान ना समझे, हमें कम से कम एक इंसान समझे और हमारे सभी डॉक्टर्स को या नर्सेज हैं या और हेल्थ वर्कर हैं उनका उत्साह वर्धन करें। विदेश में भी आप देखते हैं कहीं भी ऐसे हमले नहीं हो रहे हैं। सबसे दुखद बात अभी कल परसों सामने आई है कि हमारे चेन्नई के डॉक्टर जो अपोलो में उनका इलाज चल रहा था, कोरोना से पीड़ित थे वो, उनकी डेथ हो गई। तो जब उनकी डेड बॉडी या क्रम के लिए ले जाया जा रहा था उसी समय भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। इससे ज़्यादा दुखद बात क्या हो सकती है कि पब्लिक एक जो अंतिम संस्कार के लिए भी इजाज़त नहीं देती है। इसी सब चीज़ों को लेकर हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजन शर्मा, उन्होंने ये भी कहा है कि कम से कम हमें जो है IPC 18 के अंदर एक नेशनल मेडिकल प्रोटेक्शन बिल बनाया जाए जो कि इस समय गृह विभाग में विचाराधीन है, उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं आया है। तो इन सब मांगों को लेकर सुरक्षा को देखते हुए हमारे नेशनल IMA जिसके कि प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश शर्मा और सेक्रेटरी RV अशोकन के आह्वान पे हम लोग 22 तारीख को शाम को वाइट कोट पहन के एक कैंडल जलाएंगे और 23 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक हम लोग काली पट्टी बांध के अपना विरोध जताएंगे और सीरियस मरीज देखेंगे। सर, क्या मानते हैं सरकार से, क्या आप मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर हमारे लिए जो PPE है, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, उसकी उपलब्धता की जाए ताकि हम लोग उसको पहन के अपने को सुरक्षित महसूस करें और हम पे कॉन्फिडेंस आए और हम भयमुक्त वातावरण में अपने मरीजों का जो कि कोविड से पीड़ित हैं या फिर नॉर्मल कोई इमरजेंसीज हैं उनको हम देख सकें, उनका इलाज कर सकें। हम बहुत आभारी होंगे अगर सरकार हमारी ये हमारी बातें अगर सुनती हैं और उसके ऊपर विचार करती हैं और कानून लाती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.